नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पीड़िता ममता देवी निवासी मोहल्ला मातवरगंज सदर आजमगढ़ के मकान में कुछ दबंगों द्वारा ताला बंद कर दिया गया है, जिसको खुलवाने की मांग को लेकर 2 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को देकर मांग किया कि पीड़िता के मकान का ताला अविलंब खुलवाया जाए एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। तेज बहादुर यादव ने बताया कि पीड़िता ममता देवी के मकान में कुछ दबंगों द्वारा अवैध ढंग से ताला बंद कर दिया गया है, जबकि वो पीड़िता का पैतृक मकान है। उसके मकान को दबंग कब्जा करने की फिराक में है। पीड़िता ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे दर दर ठोकरे खाने को विवश है। पुलिस प्रशासन दबंगों के दबाव में कार्य कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। यदि गरीब पीड़ित महिला की मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से ओंकार पांडे, अब्दुल रहमान, अजीज इमाम, शीला भारती, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र यादव, ममता गौड़, ब्रजेश पांडे आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार।